और वाई दे वेर द ऑनली कंटेंट डर्स देट वेर लेफ्ट इन आवर कंट्री तो हमने उसके लिए कल पोर्तुगीज़ कवर किया था और हमने देखा था कि पोर्तुगीज की जो ब्लू वाटर पॉलिसी है उसके वजह से दे वर नेवर इंटरेस्टेड इन द इंडियन डोमिनियन एज सच इंटीरियर इंडिया में उन्होंने कभी पाव फैलाने की कोशिश ही नहीं की दर एंटायर फोकस वॉज ट्रैट ऑफ मलाक्का रेड सी एंड पर्शियन गल्फ तो वैसे ही पोर्तुगीज के बाद द सेकेंड कंपनी दैट अराइड इन आवर कंट्री वॉज डच डच वॉज इन डीड द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्री एट दै पीरियड ऑफ द टाइम इनफैक्ट इट वॉज डच पीपल जो अर्लीएस्ट लेवल पे आफ्टर पोर्तुगेज केम इन आवर कंट्री फिफ्टीन एटीज फिफ्टी नाइनटीज के अराउंड ही डच शिफ्ट जो है वो इंडिया में आनी चालू हो गई थी बट अल्टीमेटली डच ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्सटीन ओ टू में बनी एंड सिक्सटीन ओ टू में ही बेसिकली डच ईस्ट इंडिया कंपनी उसका अर्लीएस्ट प्रेजेंस इंडिया में दिखाई देना चालू हुआ सिक्सटीन ओ फाइव में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूली पट्टनम इंडिया में बना भी ली थी

So let's move. Now arrival of the Dutch company or Dutch East India Company, as I told you, 1580s, 1590s में ही Dutch जो है वो India में आने चालू हो गए थे. In fact, Europe में Renaissance के वजह से जो basically spice की जो demand आई थी, ये spices की demand को Portuguese fulfill नहीं कर पा रहे थे. And Portuguese के अंदर पूरा का पूरा Indian Ocean था. But Portuguese during this period of the time, rather than enhancing trade, trade को खत्म करने पे तुले हुए थे.

फिफ्टीन हंड्रेड एंड एंडर आफ्टर 1598 में उन्होंने दो बड़े एक्सपीडिशन जो है वो किए थे फॉर द स्पाइसेस बट स्पाइसेस जो है ट्रेडिशनली वॉट एवर यू आर बिलीव माइड बी बट स्पाइसेस जो है उसका जो लैंड या फिर एक्चुअल ओरिजिनेटर जो माना जाता है वो हमेशा इंडोनेशिया ही माना जाता है एंड डेट सा डच जो है वो हमेशा से इंडोनेशिया में इंटरेस्टेड थे बिकॉज वहाँ का जो ट्रेड है वो डच को कंट्रोल करना था बिकॉज स्पाइस की डिमांड जो है वो यूरोप में बहुत ज़्यादा थी ऑब्वियसली आप वही आइटम में ट्रेड करोगे ना जो घर घर में बटता है या फिर घर घर में बिक सकता है तो घर घर में बटने वाला जो आइटम जो है दैट वॉज स्पाइस एंड यही स्पाइसेस जो है उसके पीछे ये डच एंडर आफ्टर ब्रिटिशर्स एंड इवन पोर्तुगीज इंडिया में आए थे अपने देखा था तो डच जो है अल्टीमेटली वर द ट्रेडर आल्सो ट्रेडर में उन्होंने अर्लीएस्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी जो बनानी भी चालू कर ली थी

उसका रीजन यही रहा है कि स्पाइसेस तो का उस टाइम पे वन ऑफ द मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड ओरिजिनेटर जो वो इंडोनेशिया माना जाता था इंडिया नहीं इंडिया बिकेम लेटर ऑन फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल एंड आफ्टर सॉल्ट पीटर प्रोडक्शन जिसकी बात थोड़े टाइम में करेंगे बट इन एनी केस डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सिक्सटीन में अल्टीमेटली बनी एंड सिक्सटीन में बनने के साथ साथ ही जो कार्टर ही इनको इनको जो मिला हुआ था वो इंडिया के लिए नहीं था वो एक्चुअल में इंडोनेशिया के लिए था बट ऑबियसली जब आप पूरा का पूरा अफ्रीका को सरकम नेविगेट करके इंडोनेशिया की तरफ जाना चाहोगे तो आपको इंडिया में कहीं ना कहीं तो एक हॉल्ट लेना पड़ेगा वरना ये समुद्र का रास्ता इतना ज्यादा दूर है कि रिफिलिंग आपको कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी वरना आपके शिप जो है वो आउट ऑफ सप्लाई हो जाएगी एंड दैट्स वाई दिस पीपल आर इंटरेस्टेड इन इंडिया अल्टीमेटली इन्होंने अपनी जो पहली जो फैक्ट्री जो है वो पेटापुली नॉर्थ कोरोमंडल एंड आफ्टर मसूलीपट्टनम दोनों सिक्सटीन में जो बेसिकली फैक्ट्रीज है वो बनी थी नॉर्थ कोरोमंडल जो है बेसिकली ओरिशा वाला एरिया है आफ्टर जो है वो आंध्र प्रदेश वाला जो है एरिया माना जाता है एंड आफ्टर कुछ फैक्चुअल डाटा है कि कौन सी फैक्ट्री कब बनी यूपीएससी में तो नहीं आएगा बट दूसरे एग्जाम पढ़ोगे तो ऐसा कोई क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाला सवाल जो है यहाँ से आ सकता है तो यूपीएससी में जस्ट पहली वाली चीज है वही याद रखनी है तो ऑलवेज रिमेंबर की डच जो है बेसिकली देवर द सेकेंड ब्रूरो यूरोपियन कंपनी टू अराइव इन आवर कंट्री इनके लिए इंडिया ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ द ट्रेड रूट फिफ्टी हंड्रेड एंड ब्रिटिशर्स ने अपनी कंपनी पहली बनाई थी ब्रिटिशर्स की कंपनी तो 1599 में बनी थी जिनको दिसंबर 1600 में अल्टीमेटली ट्रेड मोनोपोली की परमिशन बनी बट फिर भी उनको इंडिया आते आते आठ साल लगे अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को पूरा का पूरा ट्रेड नेटवर्क ढूंढने में डिस्कवर करने में आठ साल का टाइम लगा एंड इट वॉज इन सिक्सटीन कैप्टन विलियम हॉकिस जो बेसिकली हेक्टरशिप के कमांडर थे वो सूरत में पहुंचे तो इट टूक ऑलमोस्ट एट ईयर फॉर द ब्रिटिशर्स टू रीच इन इंडिया जबकि डच जो है 1602 में उन्होंने कंपनी बनाई एंड 1602 में ये लोग इंडिया में आए बिकॉज उनको इंडोनेशिया पहले ही पता था उनको ट्रेड रूट पहले ही पता थे तो दैट्स अ कंफ्यूजन नहीं करना है कंपनी क्रिएशन की अगर बात करें देन ऑब्वियसली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी थी बट उनको इंडिया में आने के लिए लेट हुआ बिकॉज दे वर द फर्स्ट पीपल टू डिस्कवर ट्रेड रूट इन इंडिया फॉर देयर कंट्री जबकि डच की बात करें तो डच पहले इंडोनेशिया से ट्रेड कर रहे थे, 1594, 1598, दो बड़े इन्होंने के लिए आउट थे. तो वर अवेयर से ट्रेड करने की बात आई तो 1602 में इन्होंने जब कंपनी बनाई थी तो ये कंपनी जो है बेसिकली इंडिया में सिक्सटीनो में ही उसका प्रेजेंस हमको दिखाई देता है एंड ये सारा का सारा फैक्चुअल डाटा जो प्रिल्स से थोड़ा सा याद रखना है वर्ड्स में गड़बड़ मत करो ओके इंडिया में आने का अगर सीक्वेंस पूछा देन ऑब्वियसली फिर डच जो है सेकेंड है थर्ड है अगर कंपनी बनाने का सीक्वेंस पूछा तो सेकेंड है डच थर्ड है आई होप इट इज क्वाइट क्लियर डेर आफ्टर फिर उनके कुछ और फैक्चुअल डाटा जो है कि इन्होंने फिर बाकी अपनी फैक्ट्रीज है कहाँ पे बनाई तो गोलकोंडा की टेरिटरीज में जो है बेसिकली नागाईवंशा एंड देर आफ्टर गोलकोंडा है दोनों टाउन है दोनों जगह पे इन्होंने फैक्ट्रीज बनाई

फिर 1744 के अराउंड ये कुछ मेजर बैटल जो है इनके बीच में दिखाई गए हैं बट नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट कोई भी एग्जाम में वो नहीं आएगा तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑन दैट एस्पेक्ट बट बहुत सारे माइनर बैटल मेजर बैटल इनके बीच में हुए विथ इन आवर कंट्री बट डच वे नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिया उनके लिए इंडोनेशिया सिग्निफिकेंट और इन्होंने बहुत ही पहले टाइम से ही ये चीज जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्वे भी करके रखी थी तो एज आई टोल्ड यू कि 1619 में इनके इनिशियल फाइटिंग होने के बाद

बैटल ऑफ बेदारा जो है इसको बैटल ऑफ चिंसुरा बैटल ऑफ हुगली भी बोला जाता है जिसकी लेटर ऑन बात करेंगे हम लोग जब बंगाल देखेंगे तब बट ये पर्टिकुलर बैटल फील्ड में रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंटायर डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कमिंग टू हेल्प मीर जाफर मीर जाफर को अल्टीमेटली अपनी गद्दी गवानी पड़ी बिकॉज ही हैड हेल्प टू द फ्रॉम डच पीपल एंड डच पीपल का अल्टीमेटली इंडिया में जो पोजिशन है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हुआ फ्टर दिस बैटल बट ये हारने के बाद जो है बेसिकली वो ज्यादा में नहीं चल पायानी पोजिशन को बेच दी and बेच के इंडिया से चले गए तो 1795 is a rough year. इसके बाद में हम लोग को डच प्रेजेंट जो है इंडिया में नहीं दिखाई देता है तो दिस इज समिंग दैट इज बैटल ऑफ बेदारा तो एक, -एक करके देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इनका फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन है अगर कोई लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन डच लोगों ने इंडिया में छोड़ा होगा तो इट वॉज फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन यही फैक्ट्रीजेशन बाज कार्बन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा नॉट इज एग्जैक्टली अ फैक्ट्री के बारे में जो है थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेते हैं न सिर्फ एग्जाम्पल इंडिया है बेसिकली एंड फिर ये जो इंडिया जो है इसके हर जगह पे बेसिकली आपको कोने में जो है बेसिकली इनकी जो फैक्ट्रीज है दगा, दिखा, दिखाई देगी जैसे अगर हम लोग डच की बात करें तो डच की एक फैक्ट्री जो है बेसिकली सूरत के अराउंड थी इनकी एक जो फैक्ट्री है वो बेसिकली मसूली पट्टनम के अराउंड थी एंड एक जो फैक्ट्री है वो पेटापुली के अराउंड थी तो ये जो सारी की सारी फैक्ट्रीज है ये एक्जेक्टली है क्या या फिर फैक्ट्री एक्जेक्टली चलती क्या है तो एज यू कैन सी ये वन ऑफ द अर्लीस्ट फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम उसका बेसिकली एक बेसिकली फोटो है तो यहाँ वाली फैक्ट्री है इसके अंडर एक्जैक्टली चलता क्या है एक फैक्ट्री की अगर बात करें फैक्ट्री में कुछ सेटलमेंट हमको दिखाई दिए सबसे पहला वाला जो फैक्ट्री जो, जो, जो है बेसिकली जो है रेसिडेंशियल एंड ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस तो रेसिडेंशियल एज वेल ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस एंड देर आफ्टर तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमको यहाँ पे दिखाई दिया यूनिट ये वाला एस्पेक्ट जो है परवेंटी हंड्रेड बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया में डेवलप करना चालू किया इनिशियल लेवल पे यही दो चीजें चलती थी so, सोसे फॉर एग्जाम्पल इनकी एक फैक्ट्री है सूरत में तो इस सूरत वाली जो फैक्ट्री है ये फैक्ट्री में बेसिकली एक स्टोर हाउस होता था एंड रेसिडेंशियल ऑफिस जैसे जो है वो इनके होते थे तो ये रेसिडेंशियल ऑफिसेस मतलब बेसिकली यहाँ पे इनका एक ऑफिसर आके बैठेगा ये ऑफिसर का एक सोल फंक्शन होता था कि लोकल लेवल पे एक ट्रेड नेटवर्क जो है वो डेवलप करना है एंड ये ट्रेड नेटवर्क जब वो डेवलप करेगा तो ऑब्वियसली फिर पूरे इंडिया में जो है बेसिकली अपने कनेक्शन जो है वो बनाएंगे एंड सारा माल जो है अल्टीमेटली फैक्ट्री में लाया जाएगा ये लाने के बाद फैक्ट्री में एक तो स्टोर किया जाएगा एंड इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसको एक तो पैकेज किया जाएगा या फिर बेसिकली इसको कोई तो फाइनल प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट किया जाएगा एंड बड़े बड़े कार्टन में भर के जो है इसको बेसिकली यूरोप की तरफ जो है भेजा जाएगा एंड देट इज आई जिस फैक्ट्री वेर इनिशियली मेड बाई दी डच पीपल इट वॉज डच पीपल जिन्होंने अर्लीस्ट लेवल पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो इंडिया में बनाना चालू कर दी फैक्ट्री का एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न बनाया एंड बाय एंड बाज यही फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न जो है ब्रिटिशर्स ने कॉपी किया एंड दैट्स द फैक्ट्रीज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर द यूरोपियन कि एक फैक्ट्री जो इनकी होती थी आप हमेशा देखो ज्यादा इंटीरियर में नहीं होती थी हमेशा कहाँ पे होती थी तो कोई तो एक तो रिवर के किनारे या फिर एकदम समुंदर के किनारे ताकि जो भी माल ये इंडिया से ला रहे हैं उनको अपने फैक्ट्री में जो स्टोर करे पैक करे आफ्टर समुंदर के थ्रू जो है यूरोप में भेल एंड फिर ये जो ट्रेड नेटवर्क डेवलप करने का काम जो है वो फैक्ट्री में बैठे हुए इंपॉर्टेंट ऑफिसर जो है करते थे एंड फिर इसके लिए एक चेन आर की जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बनानी चालू कर दी थी इनका नेदरलैंड में बैठ के जो है एक सुप्रीम बोर्ड हुआ करता था जिसको जेंटलमैन सेवनटीन बुलाया करते थे इट वॉज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टोटल सत्रह डायरेक्टर इनके थे एशिया का अफेयर जो है इंडोनेशिया से ही संभालते थे जकार्ता में जिसको पहले बैटिया बोला जाता था यहाँ पे इनकी एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल हमको दिखाई दी है एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का एक हेड हुआ करता था दैट इज गवर्नर जनरल ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव का काउंसिल जिसका हेड जो गवर्नर जनरल है जो जकार्ता में बैठता था ही वॉज इन कॉन्टेक्ट विदरलैंड नेदरलैंड में इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा हुआ है तो नेदरलैंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके नीचे फिर ये जकार्ता वाला सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड ये सेंट्रल और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट करके एशिया का सारा अफेयर जो है मैनेज करते थे एंड इन्होंने एशिया में फिर बहुत सारी अपनी फैक्ट्रीजे बना के रखी थी उसमें अगर इंडिया साइड की अगर फैक्ट्री की बात करें तो इंडिया में इनकी दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है एक पहले कोरोमंडल अराउंड थी कोरोमंडल कोस में बेसिकली पुलिकट जो है इनका सेंटर हुआ करता था लेटर ऑन इन्होंने ये नागपट्टनम में शिफ्ट कर दिया एंटर आफ्टर बंगाल में इनकी एक मेन सेटलमेंट हुआ करती थी दैट इज बेसिकली एंटायर बंगाल का जो बेसिकली ये है दैट इज बंगाल की फैक्ट्री जो इनकी हुगली के अराउंड थी तो उसमें बेसिकली इन्होंने जो क्या कर लिया देन यहाँ पे एक मेन अपना सेटलमेंट है बना लिया तो ये जो बेसिकली हुगली के अराउंड वाला सेटलमेंट एंड आफ्टर पहले वो ये जो है दैट इज बेसिकली वाला सेटलमेंट ये दो इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हुआ करती थी मतलब इंडिया में में और हुगली में एक फैक्ट्री इनके ऊपर वो जकार्ता वाला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड एंड इनके ऊपर फिर जेंटलमैन 17 ये इनका एक रफ एडमिनिस्ट्रेटिव हायर जो है था लेटर ऑन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही करने आई थी कि लंदन में बैठ के इनका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड आफ्टर बंगाल की जो कंप ये जो है फैक्ट्री है कैलकटा की फैक्ट्री उसका जो गवर्नर जनरल है दैट विल बिकम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दैट इज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वॉज लेटर ऑन कैरी आउट एंड डच का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न है काफी सिग्निफिकेंट है इंडिया में हर एक इनकी जो फैक्ट्री थी प्रिसाइजली ये दो फैक्ट्री सबसे पहले जो है बेसिकली हुगली वाला फैक्ट्री एंड सेकंड इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली कोरोमंडल के अराउंड का नागापट्टनम वाला जो फैक्ट्री ये दोनों फैक्ट्री जो है उसमें बेसिकली हम लोग को एक काउंसिल दिखाई दी है इनफैक्ट हर एक फैक्ट्री की काउंसिल हम लोग को दिखाई दी है एंड फिर वो काउंसिल का एक गवर्नर होता था गवर्नर के साथ वहां के कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे जिसमें इंपॉर्टेंट नाम जो 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 है 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 फैक्टर का आता है. तो हर एक पर्टिकुलर इनकी फैक्ट्री फैक्ट्री हुआ करती थी ये बेसिकली उसमें हम लोग को एक काउंसिल दिखाई दी है एंड एक काउंसिल में हम लोगों को एक गवर्नर दिखाई दिया है एंड देर आफ्टर एक फैक्टर दिखाई दिया है गवर्नर का काम होता था कि वो फैक्ट्री में बेसिकली आजू बाजू के ट्रेड जो है उनका एक नेटवर्क बिल्ड करे ये नेटवर्क बिल्ड करने के लिए ब्रोकर या फिर दलाल की हेल्प ली जाती थी तो दलाल जो इंडिया के इंटीरियर में जाके जो भी माल बेन को चाहिए डच लोगों को लेके आता था एंड आफ्टर फिर ये स्टोर किया जाता था कहाँ पे इनकी फैक्ट्री में एंड फैक्ट्री में अल्टीमेटली इसको एक तो पैक किया जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा एंड यूरोप में भेजा जाएगा दैट इज ऑल दिस एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड आउट एंड फिर इसमें जो फैक्टर था ये फैक्टर का मेन क्या काम क्या हुआ होता था तो एक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री उसको मैनेज करना एंड उसके साथ साथ जो है बेसिकली कम्युनिकेशन डेवलप करना विध वट एवर उसको जिस जिसके साथ कम्युनिकेशन डेवलप करना है तो फॉर एग्जाम्पल बंगाल की फैक्ट्री है हुगली वाली तो उसको अगर कम्युनिकेशन डेवलप करना है जकार्ता में बैठे हुए गवर्नर जनरल से या फिर डायरेक्टली वीकेंड से जो नेदरलैंड में बैठा हुआ जेंटलमैन सेवेंटीन है उनसे तो वो उसी का काम होता था एंड वही जो है बेसिकली एक्सपेक्ट करता था कि उसके पास से काम जो है बेसिकली सारे के सारे हो एंड दिस बेसिकली दिसर एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न जो उन्होंने इनिशियल लेवल पे डेवलप किया था तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि बंगाल की फैक्ट्री देर आफ्टर फिर नागपट्टनम वाली फैक्ट्री इनका एक काउंसिल है एंड हर एक दो दो फैक्ट्री का एक इंडिविजुअल काउंसिल इंडिविजुअल गवर्नर इंडिविजुअल फैक्टर है इनके ऊपर जकार्ता में बैठा हुआ सेंट्रल बोर्ड

कल वाले लेक्चर में जब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन के ऊपर जाएंगे तो डच का एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन या फिर लेगेसी ब्रिटिशर्स के लिए वही रही है कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी चीजें डच लोगों से ही सीखी देर आफ्टर रिलेशन ऑफ द डच पीपल इन आवर कंट्री अगेन ही रिलेशन में आपको जो है बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखेंगे मतलब इट वॉज डच पीपल जिन्होंने मुगल मराठा गोलकोंडा ऐसे इंपॉर्टेंट ये जो है प्रिंसिपैलिटीज है हमारी कंट्री की उनसे कॉन्टेक्ट भी किया एंड कॉन्टैक्ट करके उनसे ट्रेड कंसेशन भी निकालने चालू किए एंड यही ट्रेड कंसेशन लेटर ऑन इवन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मांगे उनको भी मिले एंड उनका इनमें फायदा ही ज्यादा हुआ तो सबसे पहले अगर रूलर ऑफ गोलकुंडा की बात करें तो रूलर ऑफ गोलकुंडा से इनिशियल लेवल पे इन्होंने कुछ सेटलमेंट जो है बेसिकली करके रखी थी सबसे पहले जो है बेसिकली हम लोगों को दिखाई देता है कि 1606 में जब बेसिकली इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज मसूलीप्टनम एंड पुलिकट वाले एरिया में बनाई थी तो एट टाइम इनको यूनिफॉर्म फोर ड्यूटी थी बट लेटर पागोडा जो है इसको ये लोग हून भी बुलाया करते थे तो हून हो सकता है या फिर पागोड़ा हो सकता है ये करेंसी है किसकी करेंसी गोलकोंडा की करेंसी है गोलकोंडा की करेंसी है तो, तो तीन हजार रुपए का आप एक ईयरली पेमेंट हमको कर दो भाई गोलकोंडा रूलर को एंड ट्रेड जो है हमारे एरिया में से कैरी आउट करो मतलब हमारे एरिया में आपकी फैक्ट्रीज बनाओ ट्रेड नेटवर्क बनाओ एंडर धंधा कैरी आउट करो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज जो है उसका इनिशियल शो या फिर इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में डच लोगों ने ही किया हुआ दिखाई दिया है डर आफ्टर लोकल लेवल पे झगड़े जो है उसमें गवर्नमेंट को मजल करना गवर्नमेंट को मजल आउट करना मतलब गवर्नमेंट को दबाना ये भी डच लोगों ने इंडिया में सबसे पहले चालू किया है तो गोलकोंडा के जो रूलर थे उनके अराउंड जो लोकल लेवल की जो फैक्ट्रीज जो थी उसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है सबसे पहले तो पेटापुली एंडर आफ्टर मसूलीप्टनम तो पेटापुली की फैक्ट्री जो है वो डच लोगों ने 1616 सिक्सटीन में ही बंद कर दी बिकॉज लोकल हवलदार जो है बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा था तो करप्शन के चार्जेस रखे रूलर ऑफ गोलकोंडा ने कुछ किया नहीं तो इन्होंने पुलिकत वाली जो पेटापुली वाली अपनी जो फैक्ट्री वो बंद कर दी एंड लेटर ऑन नाइनटीन में सेम चीज़ जो है मसूलीपट्टनम के साथ भी होने वाली थी बट मसूली पट्टनम के साथ जब वो होना चालू हुआ तब रूलर ऑफ गोलकोंडा रियलाइज तो कर नहीं सकते एंड अगर कोई दूसरा के कर रहा है मतलब पागोड़ा एनुअली तो ल्यूक्रेटिव बिजनेस है उसको किल क्यों करना है तो ए, लोगों को सपोर्ट कर देते हैं अल्टीमेटली फिर गोलकोंडा रूलर रियलाइज

Right to mint coin भी काफी है 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 हमने पहले ये देखा है, during the time period of मुगल कि open mint हुआ करते थे open mint मतलब basically, मुगलों के से इंडिया में हम को दिखे हैं हर एक जो है, उसको हेड करने के लिए दरोगा एक टक्साल भी दिखा है हमको तो दरोगा वॉज हेड इसका पर्पज क्या होता था कि उस जमाने में पेपर करेंसी नहीं हुआ करती थी मेटेलिक करेंसी थी तो मेटेलिक करेंसी जो है वो बेसिकली सर्कुलेशन में अगर लानी है तो कैसी लाओगे आज के टाइम पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है आज के टाइम पे आपको बेसिकली इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ जो है आरबीआई दिखाई देगा जो मेटालिक करेंसी सर्कुलेशन में देता है तो अभी के लिए तो गवर्नमेंट की मोनोपोली है करेंसी के ऊपर की करेंसी जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही छापेगा उस जमाने में आरबीआई तो था नहीं उस जमाने में ये चीज करना इम्पॉसिबल था फॉर पूरे इंडिया एंड दैट्स अ मुगल या फिर जो लोकल रूलर है अपने इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग टाउन जो है वहां पे मिंट मतलब टक्साल जो है वो ओपन करते थे एंड फिर ये ओपन होता था मतलब कोई भी एक ऑर्डिनरी बंदा जो है से फॉर एग्जाम्पल अभी गोलकोंडा की बात कर रही है तो बेसिकली इनमें दो कॉइन चलते थे एक था नाम था फनम फनम बेसिकली इनका सिल्वर कॉइन था एंडर एक का नाम था पागोड़ा पागोड़ा को ही ये लोग हुन भी बुलाया करते थे जो इनका गोल्ड कॉइन था तो एक ऑर्डिनरी बंदा है ही इज अ ट्रेडर बेसिकली एंड फिर ये ट्रेडर है बेसिकली एंड उसको जो है बेसिकली चाहिए दस पागोड़ा अब दस पागोड़ा उसके पास है नहीं बट उसके पास गोल्ड पड़ा हुआ है तो अपना गोल्ड लेगा एंड गोल्ड लेके बेसिकली टक्साल में जाएगा ये टक्साल में जाने के बाद जो है एस पर रूलर ऑफ गोलकोंडा के स्टैंडर्ड ये टक्साल फिर उसको दस पागोड़ा जो है वो बना के दे देगी इसको आप बोलोगे ओपन मिन्ट सिस्टम मतलब आप अपना मेटल लेके आओ एंड मेटल लेके आने के बाद जो है बेसिकली अपनी करेंसी बनाओ एंड घर लेके जाओ ये राइट टू मिंट जो है सर्टन ट्रेडिंग हाउसेस के पास ट्रेडिशनली इंडिया में हमेशा से ही रहा है एंड फिर यही राइट टू मिंट जो है इवन यूरोपियंस को देने का वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टेंस हम लोग को डच के साथ ही दिखाई देता है कि डच लोगों को ये कॉइन के राइट जो है मिले एंड इनफैक्ट डच वर नॉट द फर्स्ट वर द फर्स्ट हमने देखा है कि इवन पोर्तुगीज के पास भी राइट टू मिट्ट कॉइंस इन विजयनगर एम्पायर हुआ करते थे तो ये वाला एस्पेक्ट जो है डच लोगों ने बहुत ही वहमन तरीके से इंडिया में इंप्लीमेंट किया कि जिस जिस एरिया में जाते थे वो वो एरिया में सबसे पहले तो ट्रेड कंसेशन ले लेते थे, थे कि भाई टैक्सेस कम करो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपने टैक्सेस कम नहीं किए तो हम आपके एरिया में ट्रेड नहीं करेंगे हम दूसरे एरिया में जाके ट्रेड करेंगे फिर आपको हमारे ट्रेड का फायदा नहीं होगा तो गवर्नमेंट को मजल आउट करना है फिर गवर्नमेंट को दबाना एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इवन राइट टू मिंट करेंसी जो है ये भी अपने पास लेके रखो बिकॉज ये जब आप लोगे तो ऑब्वियसली आपके पास लोकल लेवल के जो ट्रेड कॉन्टैक्ट है वो बढ़ेंगे अब ऑर्डिनरी बंदा एस एस तो कोई करेंसी बनाने जाएगा नहीं सिर्फ ट्रेडर ही जाएगा एंड वही ट्रेडर तो बेसिकली इनको चाहिए थे तो इनका एक डबल बेनिफिट इसमें था कि पहले ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट भी बढ़े एंड सेकेंड थिंग ये मिंट के ऊपर जो है टैक्सेशन जो है वो भी लगा देते तो ऑलमोस्ट साढ़े पांच परसेंट का टैक्स था उसके ऊपर जो है लोग वसूला करते थे तो इनको फायदा भी हुआ एंड ट्रेड नेटवर्क भी इनका बढ़ा एंड आफ्टर सेवन में रूलर ऑफ गोलकोंडा ने इनको फरमान दे दिया दैट इज कम्प्लीट फ्रीडम ऑफ ट्रेड कंप्लीट फ्रीडम ऑफ ट्रेड मतलब बेसिकली आप हमारे एरिया में आओ एंड आपको जो धंधा चाहिए उसमें आप क्या करो ट्रेड करो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंड आफ्टर फिर 1680 में अल्टीमेटली रूलर ऑफ गोलकोंडा एंड डच के बीच में हमको कुछ ना कुछ तो झगड़े भी दिखाई दिए जिसमें अल्टीमेटली डच जो है उन्होंने रूलर ऑफ गोलकोंडा को सप्रेस कर दिया एंड ये सप्रेस करने के बाद अल्टीमेटली रूलर ऑफ गोलकोंडा जो है उन्होंने ये जो है सरेंडर कर दिया एंड आफ्टर डच के जो ट्रेडिंग प्रिवलेजेस है वो डच को वापिस दे दिया है तो इट डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने इनिशियल लेवल पे यू कैन सी वो सारी चीजें की जो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने लेटर ऑन करके रखी है तो दैट्स मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि इट इज डच हु शुड हैव कंट्रोल्ड इंडिया बट अल्टीमेटली उनका एम इंडिया में रहना था ही नहीं दे वर मोर इंटरेस्टेड इन द स्पाइस आईलैंड ऑफ जकार्ता जावा सुमात्रा एंड दैट्स साइ उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ पहले वो एग्रीमेंट साइन करके रखे थे कि दे विल कैरी आउट ट्रेड ऑनली इन वेर देन इंडोनेशिया जबकि इंडिया विल फियर ऑफ ऑफ इन्फ्लुएंस द ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स एंड दैट्स के हाथ में इंडिया आया इंडिया एट दैट टाइम नॉट सो फेमस फॉर स्पाइसेस कॉटन एंड सॉल्ट पीटर ये दो कमोडिटी वो ज्यादा इंडिया में चलती थी एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली कॉटन जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना एंड फिर कॉटन के वजह से ब्रिटिशर्स का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेशन विद द गोलकोंडा दर आफ्टर मुगल की अगर बात करें तो मुगलों के साथ भी इन्होंने अच्छे रिलेशन जो है वो मेंटेन रखे हुए थे तो सबसे पहले जो है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द जहांगीर इट उनको बेसिकली कैम्बे अहमदाबाद वाले एरिया में जो ट्रेड कंसेशन मिले थे शाहजहां के टाइम पे भी अगर हम लोग बात करें देन इसमें भी इनको सर्टन ट्रेड परमिशन जो है मिली थी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि ट्रांजिट ड्यूटी जो है नहीं भरनी पड़ती दो तरीके की ड्यूटी आपको दिखाई देगी एक तो कस्टम ड्यूटी है एंडर आफ्टर एक ट्रांजिट ड्यूटी है तो बेसिकली कस्टम ड्यूटी मतलब जब आप इंडिया में आते हो या फिर इंडिया से जाते हो देन आपको एक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी बट वेना वेन आप बेसिकली इंडिया के विद इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस में ट्रेवल करते हो तो आपको ट्रांजिट ड्यूटी भी देनी पड़ती है तो ट्रांजिट ड्यूटी को हटाने का काम जो है सर्टन ट्रेड रूट ये शाहजहां ने इनके लिए करके रखा था एंडर आफ्टर इवन औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने पहले शाहजहां के जो ये थे दैट इज सारे वायदे थे कंसेशन थे वो कंटिन्यू रखे एंडर आफ्टर जब औरंगजेब ने गोलकोंडा कैप्चर किया तो इवन गोलकोंडा रूलर ने डच को जो ट्रेडिंग प्रविलेजेस दे के रखे थे वो भी औरंगज़ेब ने लेटर ऑन कंटिन्यू रखे इन सिक्सटीन एटी नाइन ऑन बर्ड एंडर आफ्टर फिर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ एम्पेयर शाहआलम शाहआलम के टाइम पे जो है बेसिकली ये जो ट्रेडिंग ड्यूटीज़ जो है बेसिकली इट गॉट रिड्यूस टू टू एंड हाफ परसेंट मतलब इवन कस्टम ड्यूटी जो है ये इन्होंने रिड्यूस करवा दी ये सारी चीज़ों में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इंडियन रूलर जो है ये इतना फेवरेबल ट्रेड टर्म ये ब्रिटिशर्स को क्यों देते थे इसके दो रीज़न बेसिकली हमको दिखाई देते हैं कि सबसे पहला जो है ओवरसीज ट्रेड जो है इसके ऊपर इंडियन रूलर्स का कोई ये था ही नहीं एम्फेसिस था ही नहीं कोई डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी थे ही नहीं हमने पहले ही देखा है मैंने आपको पोर्तुगेज के टाइम पे ही बताया था कि शिवाजी महाराज को इस पीरियड में क्या जाता है क्रेडिट जाता है कि ही इज बेसिकली द पर्सन हु रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेवल फोर्स 1670, 1680s में शिवाजी महाराज के एक नेवल डेवलपमेंट हमको दिखाई दिया है बट ऑबियसली शिवाजी महाराज का नेवल डेवलपमेंट कोई ज्यादा बड़ा नहीं था अपार्ट फ्रॉम शिवाजी महाराज यहाँ पे गोलकोंडा रूलर हो सकते हैं बीजापुर के रूलर हो सकते हैं दर आफ्टर इवन मुगल हो सकते हैं इनकी तो नेवी थी ही नहीं एंड डेट्स ये सारी की सारी जो कंट्रीज थे इंडिपेंडेंट कंट्रीज एट दैट पीरियड ऑफ टाइम मुगल गोलकोंडा बीजापुर एंड आफ्टर इवन मराठास इनके लिए ये वाला जो ट्रेड था डेट इज ओवरसीज ट्रेड वो एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी अभी तक इनको पैसा मिलता था इंटरनल ट्रेड से ही बट अब इनको एक एक्स्ट्रा पैसा मिलने लग गया कि ये जो बेसिकली हैटमैन है टोपी वाले हैं जो बाहर से आ रहे हैं इंडिया में बैठ के ट्रेड आउट कर रहे हैं अपना अपना धंधा कर रहे हैं वापस लेके जा रहे हैं माल और उसमें टैक्सेशन भी दे रहे हैं एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इनका आर्म्स एंड एमिनेशन आर्म्स एंड एमिनेशन मतलब यूरोपियन आर्म्स एंड एम्यूशन एमिनेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी थी एंड दैट्स ए यूरोपियन ट्रेडर जो है उनके साथ कॉन्टैक्ट रखने में एक और बेनिफिट यही था कि बड़ी बड़ी तोहफे बड़ी बड़ी बंदूकें जो है ये आपको प्रोवाइड करते थे ये वाला जो एस्पेक्ट है ये इनफैक्ट विजयनगर डायनेस्टी के लिए पोर्तुगीज़ लोगों ने ही चालू किया था और हमने देखा भी था कि फिफ्टीन नाइन फिफ्टीन टेन के अराउंड विजयनगर डायनेस्टी को आर्मामेंट सप्लाई करके अल्फोंसो डी अल्बकर जो है उसने अल्टीमेटली गोवा वाला एरिया जो अपने लिए ले लिया तो ये एस्पेक्ट जो है आपको थोड़े समझने पड़ेंगे कि भाई इंडियन रूलर्स रूलर सो कीन टू मेंटेन रिलेशन विद दिस फॉरेन ट्रेडर बिकॉज फॉरेन ट्रेडर जो है वो ऐसे एरिया में धंधा कर रहे थे जिसके ऊपर इंडियन रूलर जो है उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है बेसिकली जो आर्म्स एंड एमिनेशन जो हमेशा से पेन पॉइंट जो है वो रहा है वो बेसिकली डो ने इंडिया में लिए एंड लोग डच लोगों का नेचर एंड पैटर्न ऑफ ट्रेड अगर देखे तो उसमें सबसे पहले जो है हम लोगों को दिखाई देता है कि नेवल सुपीरियोरिटी ऑफ द ड यूरोप में फोर्टीन सेंचुरी से लेके सिक्सटीन सेंचुरी का पीरियड जो है वो पोर्तुगीज एंड स्पेन की राइवलरी का माना जाता है इनकी सुपेरियोरिटी का माना जाता है बट सिक्सटीन एंड 17 सेंचुरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पीरियड में डच नेवी ब्रिटिश इसी के वजह से सबसे पहले पोर्तुगिज का कार्ता सिस्टम काफिला सिस्टेम, इन दोनों को ब्रेक डाउन करने का काम जो है वो डच लोगों ने ही किया था इट वॉज डच जो फिफ्टीन एटीज फिफ्टीन नाइनटीज ऑनवर्ड इंडोनेशिया में जा रहे थे ये वही वाला तो एरिया है अल्टीमेटली इंडिया एंड आफ्टर ऑफ मलाक्का जहां पे पोर्तुग अपना कारताज लेके बैठे हुए थे बट उसको इलाबोरेटली डैमेज करने का काम जो है ये इनिशियल लेवल पे डच लोगों ने ही किया इट डच पीपल जिन्होंने ये शो किया था विथ इन इंडिया कि अगर आप बेसिकली वॉयलेंस को यूज करते हो फोर्स को यूज करते हो तो आप अपने यूरोपियन राइवल है वो भी इंडिया में आप खत्म कर सकते हो प्लस इंडिया का जो इंडिजिनियस रूलर है उसको भी आप मजल डाउन कर सकते हो उसको आप दबा सकते हो ट्रेड कंसेशन लेने के लिए एंड मोनोपोलिस्टिक इंडियन ओशन का ट्रेड मतलब हम, किया था इट वॉज फैक्ट्री की परमिशन मांगने के लिए इंडिया के रूलर के पास नहीं जा रहे थे फैक्ट्री की परमिशन के साथ साथ मोनोपोली के राइट जो है वो भी हमको दो ये मांगने की भी बेसिकली एक जो अर्लिएस्ट लेवल की जो जिद है ये इन्होंने ही की थी तो नेचर And दोनों में झगड़े तो बढ़ ही रहे थे एंड उसका एक इम्पैक्ट आपको इंडिया में ग्राउंड लेवल पर भी दिखाई देगा ही देगा बट इंडिया एज वेल एज इंडोनेशिया ये दोनों एरिया में जो झगड़े चल रहे थे

इन दैट मैटर अल्टीमेटली डच लोग उनके हाथ में फिर स्पाइसिस एंड ब्लैक पेपर जो उनकी मोनोपोली आ गई जबकि अगर आप इंडिया का ट्रेड देखोगे दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके जो प्राइमरी प्रोडक्ट है जैसे कॉटन इंडिगो राइस ओपीएम एंड सिल्क इसमें भी डच लोगों ने थोड़ा थोड़ा ट्रेड जो है किया बट ऑब्वियसली इसमें ओपीएम दर आफ्टर फिर इसमें जो है बेसिकली कॉटन जो है एंड इवन सोल्ट पीटर ये बिकम सिम सिग्निफिकेटली इम्पॉर्टेंट कमोडिटी फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकॉज इंडिया में यही कमोडिटी जो है सबसे ज्यादा मिलती है इसमें सोल्ट पीटर जो आपने पहली बार शायद से सुना होगा तो सोल्ट पीटर जो बेसिकली बिहार के अराउंड सबसे ज्यादा मिलता है इसको लोकल लैंग्वेज में मिर्ची कूड भी बोलते हो आप लोग तो जो सॉल्ट पीटर या फिर मिर्ची को जो है बेसिकली गन पाउडर में यूज होता है इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर द गन पाउडर एंड दैट्स इसका एक हैवी डिमांड यूरोपियन मार्केट में था ही जो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने यूटिलाइज भी किया एंड इट वॉज ब्रिटिशर्स जिन्होंने अल्टीमेटली गंगा के फर्टाइल प्लेन में ओपीएम एंड ओपीएम के साथ साथ जो है बेसिकली इंडिगो दैट इज कैश क्रॉप जो है वो ग्रो करने चालू कर दिए ओपीएम का सिग्निफिकेंस ब्रिटिशर्स के लिए क्या था कि ओपीएम कैन एक्ट एज अ बार्टर मटेरियल तो चाइना से जो ट्रेड हो रहा था वहां से सिल्क आप लाओगे तो इन रिटर्न आप चाइना को ओपीएम सप्लाई करो एंड इंडिगो इसके लिए इम्पोर्टेंट था इंडिया से कॉटन तो आप लेकर जा ही रहे हो तो उसके साथ साथ ब्लू डाय दैट इज बेसिकली इंडिगो जो है वो भी आप लेके जा सकते हो तो दिस इज समबाउट एंग्लो डी एंड फाइनली रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द ड ईस्ट इंडिया कंपनी ये सिग्निफिकेंट था बिकॉज डच ईस्ट इंडिया कंपनी के वजह से नेदरलैंड की पोजिशन जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में काफी सिग्निफिकेंट हुई अगर आप आज भी यूरोप में देखोगे तो नैदरलैंड या फिर डच जो है बेसिकली वन ऑफ द टैक्स ऑफ एंटायर यूरोप माना जाता है एक टाइनी कंट्री वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द यूरोप भी है बिकॉज उनका सारा का सारा जो गेम था वो स्पाइस ट्रेड के ऊपर था इंडोनेशिया के ऊपर था एंड जैसे ब्रिटिशर्स की पोजिशन इंडिया की वजह से सुप्रीम हुई वैसे नैदरलैंड की पोजीशन जो है वो इंडोनेशिया की वजह से ऊपर हुई तो सबसे पहले इनके सक्सेसफुल होने का कारण ही वही था कि इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी इन दी एंटायर कंट्री टू में जब कंपनी बनी हुई थी तो उस टाइम पे जो बेसिकली नैदरलैंड का किंग था उसने इन नैदरलैंड की जितनी भी कंपनी है उन सबको पहले अबोलिश कर दिया एंड ये अबोलिश करने के बाद उन सबके जो डायरेक्टर है ये सारे कंपनीज के डायरेक्टर को बेसिकली ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसमें बेसिकली डायरेक्टर बना दिया तो इट फर्स्ट स्टॉक प्राइवेट कंपनी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड यू कैन से जहां पे नेदरलैंड की जितनी भी प्राइवेट कंपनी सब एबॉलिश हुई और सारे कंपनी के डायरेक्टर को एक ही पर्टिकुलर बड़ी कंपनी दैट इज डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंडर लाने का काम किया था ऑब्वियसली 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी बट इट वॉज इंडिविजुअल ओरिएंटेशन इंडिविजुअल मतलब हार्डली पंद्रह लोग जो है बेसिकली इसमें आए हुए थे और पंद्रह लोगों ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी अंडर सर थॉमस माइथ सर थॉमस माइथ उनका लेवेंट कॉरपोरेशन एंडर आफ्टर फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ये हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे ही बट नेचर ऑफ द कंपनी काफी सिग्निफिकेंट है बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी राइवल रिथ इन डच या फिर नेदरलैंड बिकॉज जितनी भी ईस्टर्न ट्रेडिंग वाली कंपनी थी उनको एबॉलिश करके उनके सारे डायरेक्टर को इस कंपनी में लाया था एंड कोई अगर कॉम्पिटिशन ही आपके सॉइल पे नहीं है देन आपकी कंपनी सिग्निफिकेंट रहेगी वो चलती भी रहेगी

तो लिबरल पॉलिसीज जो है ये भी इनका एक क्या रहा है देन रीजन रहा है कि बेसिकली अगर हम देखें कि पोर्तुगिज लोग जो है वो इंडिया में फोर्सिबल कन्वर्जन जो है हमेशा कर ही रहे थे बट ऑन दी ब्रिटेन में भी था डच में भी था ये एक वन ऑफ द रीजन है कि ये कंट्री इतनी सिग्निफिकेंट क्यों बनी सिक्स सेंचुरी में प्रोटेस्टान इज अ लिबरल रिलीजन जो चर्च एंड बाइबल के अगेंस्ट जाने वाले लोग थे एंड दैट्स लिबरल थे मटेरियलिस्टिक थे उनको धंधे से लेना देना था रिलीजियस कॉज उनमें कभी अटैच नहीं थे पोर्तुगीज में रिलीजियस कॉज हमेशा से ही रहा है और पोर्तुगीज ने एक लार्ज स्केल कन्वर्जन जो है इन क्रिश्चियनिटी इंडिया में करने का ट्राई भी किया है बट डर आफ्टर इवन ये दोनों को क्रेडिट जाता है और इसके वजह से इनको एक लोकल लेवल का एक्सेप्टेंस वो मिला हुआ है देर आफ्टर रिसोर्सेस रिसोर्सिस में अगर हम लोग बात करें तो इनके पास जो है स्पाइस आइलैंड दैट इज इंडोनेशिया एंडर आफ्टर इवन गोलकोंडा के जो गोल्ड माइन डायमंड माइन एंड इवन वी कैन टॉक अबाउट जो ईस्ट अफ्रीका जो ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट के ऊपर जो सारा का सारा जो गोल्ड माइन है ये इनके हाथ में था तो वो भी इनको एक फायदा दिलवा है देर आफ्टर फिन बेटर शिप्स बेटर शिप्स मतलब फ्लुट जैसे हमने देखा था कि लास्ट वाले लेक्चर में पोर्तुगीज वाले लेक्चर में कि बड़े बड़े नाव एंड गैलियन जो है वो पोर्तुगीज इंडिया में लेके आए थे यही नाव एंड गैलियन का भी एक एक्स्ट्रा या फिर एक एडिशनल वर्जन है फैक्चुअल करने के साथ साथ जो है इंडिया में लेके भी आए थे, थे ट्रेड ये लोग अगर इंडिया के ऊपर फोकस करते हैं इंडिया में इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं बिकॉज ब्रिटिशर्स से डायरेक्टली अप्रंटली झगड़े जो है वो चालू हो जाते हैं एंड ऑन दी अदर एंड जब इन्होंने इंडोनेशिया पे फोकस किया

उनके साथ एस सच कोई बड़े झगड़े इनके एटीन नाइनटीन सेंचुरी में नहीं हुए एंड आफ्टर इम्पैक्ट ऑफ डच ट्रेड ऑन इंडिया की अगर हम लोग बात करें देन इट वॉज मैंने आपको बोला कि जिन्होंने इंडिया में बेसिकली धंधा मतलब बेसिकली जो ट्रेड है वो कैसी करनी है वो दिखाया था इट वॉज डच जिनका फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है या फिर जिनकी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है या फिर इवन डच जिनका बेसिकली ट्रेड नेटवर्क जिसमें उन्होंने ब्रोकर का इस्तेमाल किया वो हो सकता है एंड डच के फैक्ट्री सेटलमेंट जो है बेसिकली वो फोर्टिफाइड होते थे मतलब बेसिकली उसमें बंदूकें कहाँ पे रखनी है एंडर मॉडर्न आर्टिलरी कैसे यूज करनी है ये सारी चीजें जो है बेसिकली अल्टीमेटली डच लोगों ने ही इंडिया में बताई एंड दैट्स अ डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पीरियड इवन दो इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट एज कम्पेयर टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटन रिमेन्स वन ऑफ द पाइवोटल इन आवर कंट्री अगर डच लोग चाहते तो इंडिया में अपना ट्रेड जो वो बढ़ा सकते थे बट इंडिया में उन्होंने ट्रेड ना बढ़ाने के पीछे का रीजन उनका लैक ऑफ फोरसाइटेडनेस अगर उनको कॉटन में मजा आता कॉटन में उनको फायदा दिखता तो जैसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बैठ गया था एंड दे रियलाइज की फ्यूचर इज ऑल अबाउट कॉटन नॉट अबाउट स्पाइसेस वो चीज शायद डच पहले ही इंडिया में कर देते बट अल्टीमेटली उनके जो विजन थे थोड़े अलग थे फोकस अलग था जिसका एक लॉस ही उनको हुआ एंड दैट सम्स अप बैटल ऑफ बेदारा बैटल ऑफ चिंसुरा के बाद जो है इन्होंने इंडिया के ऊपर गिव अप ही किया बाई द टाइम पीरियड ऑफ दे सोल्ड ऑल देयर सेटलमेंट टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडोनेशिया के ऊपर पूरा का पूरा फोकस किया तो समीज इन इंडोनेशिया सम कॉलोनीज इन अफ्रीका अफ्रीका में गोल्ड मॉइन इंडोनेशिया में स्पाइस ट्रेड यहाँ पे इनका फोकस जो है ज्यादा रहा जिसका वजह अल्टीमेटली इनका डिक्लाइन जो है इंडिया में हुआ तो डिसइंटरेस्ट इन इंडिया इन, इन, इन इनका पहले से ही था डच के साथ इन्होंने छोटे मोटे ब्रिटिशर्स के साथ छोटे मोटे लेवल के झगड़े भी किए बट वो भी ज्यादा चले नहीं जिसमें बस एक ही बैटल याद रखो बैटल ऑफ हुगली बैटल ऑफ चिंसूरा या फिर बैटल ऑफ बेदार ये तीनों एक ही बैटल के नाम हैं डच के फोर्सेस बंगाल में आ रहे थे और ये तीन बाजू बाजू के गांव हैं चिंसूरा हुगली एंड बिदारा तो ये तीन अलग अलग गांव में बेसिकली डच आर्मी छुपी बैठी थी क्लाई ने उनके ऊपर अटैक किया एंड तीन फ्रंट के ऊपर ये वॉरफेयर हुआ इसके लिए इसके नाम अलग अलग होते हैं बैटल ऑफ चिंसुरा बिदार एंड आफ्टर हुगली बट है तो एक ही बैटल जिसमें अल्टीमेटली डच जो है दे गॉट डिफीटेड एट हैंड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और क्लाइस फोर्सेस

तो एक हफ्ता भर थोड़े से ओरिएंटेशन सेशन ही और चलने वाले सो इफ यू आर फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड देन ऑब्वियसली थोड़ा सा जल्दी कर लेना दिस इज अ बैच दैट हैज बिन स्पेसिफिकली डिजाइन बाय मी और इस पर्टिकुलर बैच में हम आपको सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं तो फाउंडेशन के साथ साथ जो है बेसिकली टेस्ट सीरीज का एक्सेस जो है वो भी दे रहे हैं तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि टेस्ट सीरीज एज वेल एज फाउंडेशन इसका कॉम्बिनेशन वी आर ऑफरिंग एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट इफ़ यू आर यूजिंग माई कोड दैट इज एस एन लाइक तो अब इसके ऊपर पहले वाले लेक्चर में मैंने पहले ही बहुत ज्यादा बात करके रखी है तो और बात नहीं करेंगे अगेन जाने से पहले जो है मार्कशीट जो है अगेन थ्री हंड्रेड प्लस जो हिस्ट्री ऑप्शनल आई है हिस्ट्री ऑप्शनलो इफ यू रियली वॉन्ट टू टेक दैट एडवांटेज ओवर दी ऑदर पीपल एंड ऑब्वियसलीस ओके सो दैट विल बी एट फ्रॉम माई साइड गाइफ टूडे आज के लिए इतना ही अगेन यूल गेट द एक्सेस टू पीपीटी ऑन दिस Instagram चैनल ऑफ ours.

कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में कैसी आई उन्होंने इंडिया में डेवलपमेंट क्या क्या की है एंडर आफ्टर टू द फ्रेंच एंड एंग्लो फ्रेंच तो ये अगले दो तीन लेक्चर में जो है थैंक यू सो मच स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल